आंटी कैसी हैं? अभी होश नहीं आया। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, वो कह रहा है कि शॉक में है, आ जाएगा होश। होश आ भी जाए तो शॉक तो वहीं का वहीं रहेगा। फैसल से मिलने नहीं दे रहे डॉक्टर्स। पता है? किसी से कुछ मालूम तो करो उनकी तबीयत का। करता हूँ। वेल, आपका शुक्रिया। मुझे कोई और समझ नहीं आया जिसकी मदद मांग। मुझे तो गिल्टी फील हो रहा है, जब जब घर जाती हूँ और बुरा लगता है। ऐसा लगता है मुझे हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। आपके पापा को पता है आप कहाँ हैं? हमारे यहाँ पूछने का नहीं बताने का रिवाज है, कभी कभी उसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती। डर नहीं लगता आपको इतनी आसानी से? दूसरों को जरूर लगता है। इंसान अपने ही माशरे में एलियन बन जाता है, क्योंकि लोग इस तरह नहीं रहते, बल्कि रह नहीं सकते। हर कोई या तो सवाल कर रहा होता है या जवाब दे रहा है। और मुझे दोनों बातों से चढ़ा। आपको पता है फैसल आपसे चढ़ता है? हाँ, पहले दिन से चढ़ता है। तो फिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चढ़ती। तो शादीशुदा? मालूम है। फिर तो ये सरासर डाका है, उसका घर बसने से पहले ही लूटने वाली बात। बाहर पड़ी चीजों की चोरी का क्या जिक्र है? और वैसे भी मैं तो फैसल को बचाने आई हूँ। I'm like a parachute। वो आपसे प्यार नहीं कर और ना करेगा कभी। मुझे फैसल का प्यार चाहिए भी नहीं अभी। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ फालिद? रुकना पड़ेगा फारिया आपको, तो पहले से चल रहा है किसी के साथ। हाँ ठीक है, रुकना पड़ेगा ना। मुझे ना पैसे बल्कि किसी और। जी बाबा। बाबा वो मैं हॉस्पिटल में हूँ, एक दोस्त की अम्मी को देखने आई हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। आई एम बिजी राइट नाउ, बाय। फैसल भाई तो फैसल भाई, वो तो अपनी बेहोशी भी आप ही पर डाल देंगी। तने किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें? नहीं होने की। लेकिन अम्मी अब क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि फैसल भाई पे फालज करे, अब क्या आप ही सारी जिंदगी उनकी खिदमत करती रहेगी? मकसद क्या है तुम्हारा ये बात करने का है? अम्मी अब आप देखिएगा, वो फौरन रुखसती के लिए राजी हो जाएगी अगर वो खुद बच गई तो। कुछ ज्यादा ही बोले जाती हूँ। मैं तो सच कह रही हूँ, और सच का मसला ये कि वो सुना नहीं चाहता। अम्मी फालिज का मतलब होता है मासूरी। फैसल भाई मासूर हो चुके और अब फौरन उनके लिए नौकरानी की जरूरत है। मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। तो तुम्हारे नजदीक हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए अब? हाँ तो फौरन खत्म कर देना चाहिए, उनको भी तो पता चले कि मनहूस कौन। रबाब, खुदा से डरो, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। अम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे में गिर रही हूँ। कह रहे अंधेरे में। मेरे ख्याल में हमें अस्पताल जाना चाहिए। आप ही जाइएगा, मैं तो आंटी के मरने पे भी नहीं जाऊंगी। तानी हमें जाना भी चाहिए या नहीं? वक्त ने एक लम्हे की खुशी देके सब कुछ छीन लिया।
हमें इस वक्त वहां होना चाहिए, खास तौर पे तुम्हें मरियम। दुनिया क्या कहेगी, उस घर की बहू है। और किस दुनिया की बात कर रही हैं अम्मी आप, और कौन सी बहू? उन्होंने कभी आप ही को बहू माना है? और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है, पूरी दुनिया जहां में गाती फिरती है कि मेरा फैसल कुंवारा है। हमें उन्हें नहीं, खुद को देखना है। बिल्कुल, तीन हर्फों के कह दीजो अम्मी, खुदा के लिए उनके पैरों में ना गिरे। तो और क्या करूं, लड़की वाली हूं, तुम अभी घर बैठी हो, एक रिश्ता खत्म करके दूसरी का रास्ता भी बंद कर दूं ताकि सारी उम्र लोग उंगलियां उठाते रहें। अम्मी आपने जो करना है करें, लेकिन फिर नतीजों से मायूस मत होइएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जो चाह रही है ना वो नहीं होगा। हो ना हो, हमारा तो फर्ज बनता है और तुम्हारा तो दीनी फर्ज भी है। शौहर है वो तुम्हारा, बीमार भी है, तुम्हें तो इस वक्त खिदमत करनी चाहिए उसकी। तैयार हो जाओ, हमें जाना है वहां। अम्मी को कभी समझ नहीं आएगा, आप वक्त जो भी कर रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। अब आप मैं जाऊं या ना जाऊं? घसीट के ले जाएंगे वो तुम्हें। मरियम आके तैयार हो, जाओ, पैगाम आ गया तुम्हारे लिए। आपको क्या हो गया? दो दिन के बाद आ रही हो तुम घर? पता नहीं बाबा, गिना नहीं मैंने, फैसल के सामने गिनना अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी आजाद नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ लिया। बाबा, ये जिंदगी जैसी चीज बगैर आजादी के नहीं गुजारी जा सकती। फैसल का निकाह हो चुका है। ओ, तो आप तक इतला पहुंच गई? Are you spying on me?